गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे, लेक्चर 9 है ये हमारा। लेक्चर 8 में हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, उसका एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ा था कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे और जिसका डेल्टा मिक्सिंग जीरो हो, मतलब मिक्सिंग करने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के दौरान उससे ना तो हीट लॉस होना चाहिए ना हीट गेन करना चाहिए, और वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए और वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि बताया था डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा मिक्स वी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इंथैल्पी भी चेंज नहीं करना चाहिए और वॉल्यूम भी चेंज नहीं करना चाहिए मिक्सिंग करने के दौरान। किसको मिक्सिंग? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सिंग करने के दौरान ना तो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, मतलब जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला है 5 और 3 8, तो 8 ही सॉल्यूशन बनना चाहिए। जैसे चूना और पानी को डालिएगा तो क्या होगा, चूना पानी को पानी में डालिएगा हीट खोलने लगता है, उससे हीट निकलने लगता है, तो हीट लॉस हो रहा है कि नहीं? तो चूना पानी का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है? मतलब हीट लॉस नहीं होना चाहिए, हीट गेन भी नहीं कर लेना चाहिए एटमॉस्फेयर से, ठीक है? और इसके अलावा एक और पॉइंट क्या बताया था, रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, यानी तीन नियम को जो फॉलो करेगा वही है आइडियल सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल याद रखना है आइडियल सॉल्यूशन का। वैसे तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर वो इन तीनों लॉ को फॉलो एक साथ करता है तो उसको आइडियल सॉल्यूशन की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे हेक्सेन और हेप्टेन का मिश्रण लिखा था हमने, नोट्स में लिखा हुआ भी है। एक दूसरा डेफिनेशन भी है बच्चों आइडियल सॉल्यूशन का, डेफिनेशन 2, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पर हम लोग एक सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए सॉल्यूट अल्कोहल है, ठीक है? सॉल्यूट क्या है? अल्कोहल कम मात्रा में है। सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? सॉल्यूशन बनेगा ना? तो यानी अल्कोहल और वाटर को मिलाकर एक हमने सॉल्यूशन बनाया है। अब मान लीजिए एक ग्लास में आपके पास अल्कोहल है, हाँ, तो अल्कोहल है तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कि आप गिराएंगे अल्कोहल को तो एकदम सीक्वेंस में गिरेगा, ऐसा तो नहीं चीनी के दाना की तरह दाना दाना गिरेगा, वो तो एक लाइन से गिरेगा, एकदम जुड़ा हुआ रहेगा एक दूसरे से। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग किया हुआ रहता है। उसी प्रकार वाटर का मॉलिक्यूल बॉन्डिंग किया रहता है आपस में, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग किए हुए रहेगा। तो अल्कोहल बी है, यानी बी अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग किए हुए हैं। मान लीजिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? 5 किलो जूल पर मोल है। बॉन्ड इनथैल्पी को कहते हैं। बॉन्ड इनथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करना होता है उसको बॉन्ड इनथैल्पी कहते हैं। यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो आपस में बंधे हुए हैं जिस एनर्जी से, जिस ताकत से, उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको 5 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल को ए बोल रहे हैं, वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को भी ए बोल रहे हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अभी अलग बर्तन में हैं, ये अलग गिलास में हैं। अब जब दोनों को मिला के एक अलग गिलास में रखेंगे तो क्या होगा? इस सॉल्यूशन में अल्कोहल के भी मॉलिक्यूल हैं और वाटर के भी मॉलिक्यूल हैं, तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लिए। अब ये अलग अलग था तो बी बी लिखे थे, वाटर अलग था तो ए ए लिखे थे, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिए तो क्या बन गया? ए बी। यानी अब यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल और अल्कोहल का मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्डिंग हो रहा है। अब मान लीजिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ था जब अकेले था तो 12 किलो जूल पर मोल, इसका 5 किलो जूल पर मोल। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हुआ? 12 5 17, तो इधर भी कितना हो गया? यानी जो बॉन्डिंग बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का, वो भी 17 किलो जूल पर मोल ही हुआ। यानी कि मिलाने से पहले का बॉन्ड स्ट्रेंथ और मिलाने के बाद के मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इस एग्जांपल हमने क्लास में भी दिया था, चलो एग्जांपल जिसान सर का ले लेते हैं। मान लीजिए जिसान सर की शादी से पहले, ये जिसान सर हैं, ये उनकी वाइफ हैं, तो शादी से पहले इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था, मतलब जितना प्यार था शादी से पहले, अगर शादी के बाद भी उनके बीच उतना ही प्यार रहता है, उतना ही मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहता है, ना प्यार बढ़ता है ना प्यार घटता है, तो हम वैसे रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? परफेक्ट रिलेशनशिप, आइडियल रिलेशनशिप बोलेंगे, ठीक है?
समझ में आ रहा है, मतलब शादी से पहले जितना प्यार था इनके बीच में, शादी के बाद भी उतना ही प्यार बना हुआ है, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में भी है, तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट आइडियल। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें डिस्टर्बेंस हो गया, हो सकता है प्यार बढ़ जाए शादी के बाद, हो सकता है प्यार घट जाए, तो फिर वो आइडियल रिलेशनशिप नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर पहले का बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलाने के बाद भी उतना ही रहता है तो हम इसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत सिंपल है। यानी बी और बी, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच की बात हो रही है, यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच की बात हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन बनाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। बी बी, ए ए, ए बी, यानी सब बराबर है तो ही इसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये बराबर नहीं है, मान लीजिए 17 की जगह 16 हो गया या 18 हो गया, ठीक है, तो उसको आप आइडियल सॉल्यूशन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए कि ये बराबर नहीं है तो दो संभावनाएं हो सकती हैं, या दो संभावनाएं क्या हो सकती हैं, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर भाई बराबर नहीं है तो दो बात ना हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, प्यार बराबर नहीं है मतलब क्या हुआ, शादी के बाद प्यार बराबर नहीं हुआ, पहले जैसा प्यार नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, या तो प्यार घट गया या तो प्यार बढ़ गया। हाँ, तो दो पॉसिबल केस है। मान लेते हैं ये शादी के पहले वाला है, शादी के पहले वाला अच्छा था, बाद में लड़ाई झगड़ा होने लगा, मारा पीटी होने लगा, है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी पहले वाला ठीक था। देखो ये सॉल्यूट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ग्रेटर दैन ए बी, मतलब पहले वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा था, बाद में उनके बीच में उतना अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, उतना अच्छा म्यूचुअल बॉन्डिंग नहीं हुआ, मतलब पहले वाला ही ठीक था, तो क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ये मैं सही बोल रहा हूँ, याद रखिएगा पी फोर पहले वाला, पी फोर पॉजिटिव, यानी अगर पहले वाला ही बॉन्डिंग, पहले वाला बॉन्डिंग मजबूत था, ठीक है, सॉल्यूशन बनने से पहले बॉन्डिंग मजबूत था, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। पी फोर पहले वाला, पी फोर पॉजिटिव डेविएशन, डेविएट कर गया ना, अगर ये इक्वल है तो आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब रॉल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, अगर नहीं है मतलब रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, डेविएशन है, डेविएट कर गया, भटक गया, तो कैसे भटक गया, तो पॉजिटिव डेविएशन, कब, जब पहले वाला मजबूत रहेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और जब बाद वाला मजबूत हो जाएगा मतलब बाद बॉन्डिंग बाद में अच्छा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव डेविएशन, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखना है कि एक पॉजिटिव वैसा सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ है, तो जब अल्कोहल को, सॉरी वाटर को जब इथेनॉल में डाल देंगे, वाटर और इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल है, यानी वाटर और इथेनॉल का मिश्रण, इथेनॉल पीने वाला अल्कोहल होता है, और वाटर और प्रोपेनॉल का मिश्रण जो है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ है, और जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ शो करता है वो सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाता है, एजियो, ए जेड ई ओ टी आर ओ पी, एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाता है। अभी ये क्या है मैं समझाता हूँ, रुको एक मिनट, फिलहाल ये समझो, ये समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन बनने से पहले वाला, मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए 5 है और ये 12 17 है, और यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया 15, तो इधर 17 हो गया इधर 15 हो गया, मतलब पहले जितना अच्छा बॉन्डिंग था इनको जबरदस्ती मिला दी, ये मिलना नहीं चाहते हैं, तो उतना अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि बाद का ये ग्रेटर देन इधर की ओर है, पहले वाले की तरफ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरफ है, एक दूसरा पॉसिबल ये केस वन था, वे केस टू लेते हैं। केस टू में क्या है, बी बी ए ए, अब ये सॉल्यूशन जब इनको मिला के बनाया गया तो सॉल्यूशन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया, सॉल्यूशन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, बाद में मतलब इनके बीच का शादी के बाद इनका प्यार बढ़ गया, तो बढ़ गया इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अब आप सोच रहे होंगे बढ़ गया तो नेगेटिव कैसे हो गया सर, और बढ़िया ना है, आप भावनाओं में बह गए, आपको यहाँ वो नहीं समझना था, आपको ये समझना है पी फोर पहले वाला, पी फोर पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ पर अगर बाद में ये सॉल्यूशन मजबूत बन गया, मतलब पहले जितना अच्छा ये आपस में रह रहे थे, इनको मिला दिया गया तो और अच्छा रहने लगे आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसका क्या मतलब है मैं भी क्लियर करता हूँ, फिलहाल इसका एग्जांपल याद रखना है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण, वाटर और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, H2O+ HNO3, H2O+ HCl,
ये एग्जाम्पल किसके हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ के। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम क्यों लिखा है, सोचो, अब समझो, बताता हूँ। देखो अब ये दोनों को मिला के तुमने सॉल्यूशन बना दिया। अब सॉल्यूशन जो बना है वो क्या है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब तुम बताओ कमज़ोर बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना आसान है? आपका जवाब होगा कमज़ोर बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है, यानी कमज़ोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब कोई चीज़ को बॉयल करेंगे तो तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट कोई चीज़ को देना पड़ता है, कोई चीज़ को कम देना पड़ता है। तो किसी को ज़्यादा हीट क्यों करना पड़ता है? इसीलिए क्योंकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। नहीं समझे? अरे भैया, दो चीज़ का बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगा, मान लो कि ये जिसान सर है उनकी वाइफ है, इनके बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, हाँ बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या थर्ड पर्सन इनके बीच में कोई इंटरप्ट करेगा? अगर इंटरप्ट करना भी चाहेगा तो क्या इंटरप्ट कर पाएगा? बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनके बीच में आपस में ही तालमेल अच्छा नहीं है तो कोई भी उड़ा के ले जाएगा, मतलब कोई भी, कहने का मतलब कोई भी इनके बीच के रिश्ते को तोड़ सकता है। लेकिन शादी के बाद तो इनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया ना, तो शादी के बाद रिश्ता जब मजबूत हो गया तो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? मैक्सिमम ताकत चाहिए। तो बिल्कुल वही चीज़ कह रहे हैं, यानी इसको ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया कि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए कह रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग इज योर ड्रॉप। नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग करना पड़ता है, ज़्यादा बॉइल करेंगे तब जाके ये टूटेगा, तब वेपर बनेगा ये सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन है ना, इसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर ये टूटेगा, स्ट्रांग हो गया ना बॉन्ड। इसीलिए कह रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग इज योर ड्रॉप, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या था इसके पहले वाला केस वन में, ये तो केस टू में था नेगेटिव डेविएशन। अगर हम बात करते हैं इसके बाद, यहाँ पर इसको क्या मिनिमम बॉइलिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बॉन्डिंग हुआ है इनके बीच का, जो बॉन्डिंग हुआ है, ये जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर बॉन्ड बना, मतलब इनके बीच का जो शादी के बाद जो जितना अच्छा आपस में तालमेल होना चाहिए उतना नहीं है, दोनों का पटरी नहीं खा रहा है। तो क्या होगा, कोई भी आदमी हल्का सा दिमाग लगाएगा, हल्का सा कान भरेगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो बहुत कम ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या है मैं अभी क्लियर करता हूँ, फिलहाल आप मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग पे फोकस कीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन कमज़ोर बना है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्डिंग कमज़ोर है तो कम ही एनर्जी में टूट जाएगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग। पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले वाला बॉन्डिंग ठीक था, सॉल्यूशन बनने के बाद कमज़ोर हो गया, तो P4 पहले वाला, P4 पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग, एग्जांपल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है अभी ये क्लास में। उसी प्रकार सॉल्यूशन बनने के बाद देखेंगे, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन बनने के बाद स्ट्रांग हो गया तो ये नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। P4 पहले वाला, P4 पॉजिटिव, एक याद रखिए ना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहले वाला अगर स्ट्रांग रहेगा तो पॉजिटिव, या बाद वाला स्ट्रांग हो गया, सॉल्यूशन बनने के बाद स्ट्रांग हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन। और जब नेगेटिव डिविजन हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग। क्यों मैक्सिमम बॉइलिंग, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए इनके बीच का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है कि इसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग। एजियोट्रॉप क्यों बोल रहे हैं ये अभी क्लियर करते हैं, क्या होता है एजियोट्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजियोट्रॉप। ठीक है, हाँ आप लोग मेरे हाथ में ये रिंग देख रहे होंगे, ये आप लोग फोकस कर रहे होंगे, पहले नहीं होता था, अभी है एक्चुअली मेरी, हाँ हाँ आप समझ रहे हैं ना, हाँ तो शादी के बाद थोड़ा सा क्लास नहीं ले पा रहा था मैं, डिस्टर्ब चल रहा था, बिजी चल रहा था कह लीजिए, तो अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मुझे टाइम मिला है तो मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा सॉरी इसके लिए, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोगों को पार्टी मिलेगा, घबराएं नहीं आप लोग, है ना, निश्चिंत रहें, बिल्कुल क्लास खुलते ही आप लोगों को अच्छी पार्टी दी जाएगी। हाँ ठीक है, चलें आगे। देखिए अब एजियोट्रॉप क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजियोट्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है जैक CBSE दोनों के बच्चों के लिए। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसका मतलब क्या, कॉन्स्टेंट मतलब एजियोट्रॉप को कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं, बस इतना जानिए। CBSE के बच्चों के लिए क्वेश्चन होगा कि एजियोट्रॉप को कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों कहते हैं, एजियोट्रॉप को कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों कहते हैं, ये सवाल CBSE का है। तो क्यों कहते हैं, तो आपके नोट्स में लिखा है लेकिन फिर मैं लिख दिया हूँ, बिकॉज होल ऑफ द एजियोट्रॉप्स चेंजेस इनटू वेपर स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये अंग्रेजी अभी आपको समझ में नहीं आया, ये जो अंग्रेजी में लिखा गया बात, ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, पहले आप एजियोट्रॉप समझेंगे तभी ये बात समझ में आएगी, इसको भी रहने दो एज इट इज। ठीक है,
चल देखो एजीट्रॉप होता क्या है, मान लीजिए कि ए एक लिक्विड है, सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, बी भी एक लिक्विड है, अरे भैया अल्कोहल और वाटर का एग्जाम्पल दिए था ना अभी, चलो समझो उसी को। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो है वो है वाटर, ये क्या है तुम्हारा भाई अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल लिक्विड स्टेट में। अब इन दोनों को मिला के बनाया तुमने पैक, बना दिया। अब बनाया भाई तो ये तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, लिक्विड और लिक्विड को मिलाओगे भैया तो सॉल्यूशन तो लिक्विड ही ना बनेगा। अब सॉल्यूट ज़्यादा होता है कि सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है सॉल्वेंट। तो ए इज़ टू बी का जो रेशियो है, ए इज़ टू बी का जो रेशियो, ए सॉल्वेंट है ज़्यादा मात्रा में रहता है, बी सॉल्यूट है। मान लीजिए कि ये 200 ग्राम है तो ये 100 ग्राम है, तो 2:1 का रेशियो में है। यहाँ पर जो अल्कोहल और वाटर का जो मिश्रण तैयार हुआ है वो 2:1 का रेशियो है, मतलब अल्कोहल ज़्यादा है वाटर कम है। अब इनको क्या करना है, डेल्टा, डेल्टा मतलब हीट करना है, और हीट करना है ये कांस्टेंट बॉइलिंग पे हीट होता है। और जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये लिक्विड स्टेट से क्या चीज़ में स्टोर, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई कुछ तो गर्म करोगे तो भाप बनेगा ना जी, तो लिक्विड से क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो एक साथ वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना है, मतलब ए और बी दोनों, ये नहीं समझना है कि कोई ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो जल्दी वेपर प्रोड्यूस करेगा, बी नॉन वोलेटाइल है तो लेट से वेपर प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों वेपर सेम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों सेम टाइम पे बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद जो लिक्विड सॉल्यूशन था वो वेपर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। और जब वेपर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर भी वेपर स्टेट में आ गया। तो लिक्विड स्टेट में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो है, अगर वेपर स्टेट में भी वही रेशियो रहता है, तो वैसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वैसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप कहते हैं। नहीं समझ में आए, देखो समझो सिंपल सरल भाषा में समझो, मतलब कहने का मतलब है कि दो कंपोनेंट, दो लिक्विड कंपोनेंट को आपस में मिक्स कीजिए, कर दिए, और मिक्स करने के बाद उनका जो रेशियो है, ठीक है 2:1, उनको गर्म कीजिए, जो लिक्विड है सोल्यूशन उसको गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट कीजिए। और लिक्विड स्टेट में जो रेशियो है A:B का, अगर वेपर स्टेट में भी सेम अमाउंट ऑफ सेम रेशियो है, मतलब जितना अमाउंट यहाँ पे है उन लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो है, अगर वेपर स्टेट में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वही रेशियो है, तभी हम उस मिक्सचर सॉल्यूशन को, तभी हम वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप कहते हैं। यानी एजियोट्रॉप सॉल्यूशन का एक स्पेशल टाइप है जिसमें लिक्विड स्टेट एज वेल एज वेपर स्टेट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, दोनों का वोलेटिलिटी सेम है, इसीलिए ये दोनों सेम अमाउंट वेपर प्रोड्यूस करेगा। जितना था, जो ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा, जो कम रहेगा वो कम वेपर प्रोड्यूस करेगा। तो वेपर यहाँ पर 2:1 का रेशियो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये जो सोल्यूशन बना है इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब वैसे तो सोल्यूशन को भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दीज, दीज मतलब ए और बी जो सॉल्यूशन बना है अल्कोहल और वाटर को, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप प्यूरीफाई नहीं कर सकते हैं। इतना तरीके से मिक्स हो जाता है, इतना अच्छा थॉरली मिक्स हो जाता है कि उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एजियोट्रॉप को हम कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। अब देखो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज होल ऑफ द, इसको हम एजियोट्रॉप बोल रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉप बोल रहे हैं, बिकॉज होल ऑफ द एजियोट्रॉप चेंजेस इनटू वेपर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं एकदम कांस्टेंट फिक्स है उस सॉल्यूशन के लिए, टेम्परेचर फिक्स है कि 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है। जब भी वो सॉल्यूशन रहेगा तो हमेशा उतना ही कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड से वेपर में, उसके पहले नहीं होगा, उसके पहले सीन की अगर 80 पे हो रहा है 79 पे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, 80 मतलब 80 पे ही वो कांस्टेंट बॉइलिंग पे वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। इसका एक एनिमेटेड वीडियो क्लास में दिखाएंगे हम आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। फिलहाल आप समझिए कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों कहते हैं, एजियोट्रॉप क्या होता है। आपके नोट्स में डायग्राम नहीं बना होगा तो काइंडली अपने नोट्स में डायग्राम को बना लेंगे, क्योंकि ये डायग्राम ही आपको समझने में मदद करेगा, जो उसका डेफिनेशन लिखा है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक लिक्विड है, बी भी लिक्विड है, दोनों को मिला के एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया गया है, और उस लिक्विड सॉल्यूशन को गर्म करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है, और देखना है कि लिक्विड स्टेट में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो है, अगर वेपर स्टेट में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वही रेशियो है, मेंटेन है, रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है, तो हम इस तरह के लिक्विड सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप्स कहते हैं। एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप,
पूछे एग्जाम में क्या होता है भाई, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या होता है, तो बोलना है कि जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ शो करे, वैसा सॉल्यूशन जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करे रॉल्ट्स लॉ से, उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, उसका एग्जाम्पल देना है। फिर पूछेगा पॉजिटिव पूछेगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या होता है, तो आपको बोलना है कि वैसा सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, मतलब वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, रॉल्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडियल सॉल्यूशन से वहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट एजियोट्रॉप से क्वेश्चन कन्फर्म है कि रहेगा, 3 मार्क्स का डेफिनेशन रहेगा और करके न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लेक्चर 10 होगा ये, तो इसको हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर के बाद स्टार्ट, मैं क्लास लूँगा शाम तक, इसको मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, ओके।